दोस्तों, आप सबको पता है कि टिकटॉक के माध्यम से चाइना ने कितनी कमाई की है। इंडिया में और कमाई करने ही वाला था, पर अचानक उस ऐप पर सभी ने बहिष्कार किया और उसका उपयोग कम होने लगा। चाइना और इंडिया के बीच तनाव पैदा हो गया क्योंकि चाइना ने आतंकी हमले किए थे। लोगों, WTO का मेंबर है भारत, इसलिए इंडिया पूरी तरीके से बहिष्कार नहीं कर सकती। पर अब हम सब चीनी चीज़ों को ना खरीद कर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इंडिया चाइना को 11.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है और चाइना इंडिया को 60 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, मतलब 50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इस साल हो चुका है। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करना ही चाहिए। चीन के ये चार मोबाइल जैसे ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ये सभी एक ही खेत के मूले हैं। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सभी सब्सिडी ब्रांड्स हैं। सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने इनके अलग अलग ऑफलाइन स्टोर्स ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 के बाद कई चाइनीज़ फ़ोन्स इंडिया में बनने लगे और मेड इन इंडिया का थप्पा लगवाया गया। इससे रोज़गार भी बढ़ गया था, पर ज़्यादातर भाग देश के बाहर ही जाता था। 2020 में MI ने 30%, वीवो ने 17%, रियलमी ने 14% और ओप्पो ने 12%, ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर चीन ने कैप्चर करके रखा है। तो ये है चीनी मोबाइल कंपनियों की लिस्ट। Xiaomi का सब्सिडरी MI, जो भारत में बहुत मशहूर और नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड माना गया है। फिर बाद में आता है पोको, फिर आता है ब्लैक शार्क, फिर आते हैं ओप्पो, फिर वीवो, फिर वन प्लस और रियलमी, फिर बाद में IQ, जो बीबी की कंपनी की सब्सिडरी है, फिर हुआवे और उसकी सब्सिडरी ब्रांड हॉनर, फिर आती है लेनोवो, फिर हायर, फिर आती है जियोनी, फिर ZTE, फिर आती है 10.or, फिर मोटरोला, फिर कूलपैड, फिर बाद में लीको और TCL। इतने सारे मोबाइल ब्रांड्स अच्छे अच्छे फीचर्स और सस्ते दाम, इसलिए मोबाइल मार्केट शेयर कैप्चर करके रखी हुई है चीन ने। भारत इतने सस्ते दाम नहीं रख सकती क्योंकि सभी पार्ट्स के लिए वो चीन पर नहीं तो अन्य देशों पर निर्भर है। इसलिए अभी शुरुआत करो और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही खरीदो, नहीं तो देश बिक जाएगा। पता है इंडियन ब्रांड्स कम है, लेकिन आप चाहे तो चाइनीज़ मोबाइल्स को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों को यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल्स को गूगल पिक्सल, फिर बाद में जियो, फिर आता है माइक्रोमैक्स जो बहुत पॉपुलर था, फिर फिलिप्स, फिर आता है एसुस, फिर आता है जोलो, फिर आता है HCL, फिर आता है सैमसंग, फिर आता है HTC, फिर आता है नोकिया, फिर LG, फिर आता है इंडियन मोबाइल इंटेक्स, फिर आता है पैनासोनिक, फिर आता है फिर से इंडियन मोबाइल कार्बन। ये ही मोबाइल ब्रांड्स खरीदो और देश को चीन से बचाओ। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन।